नफरत न करके दिल से साथ निभाइए। और कैसे हो मेरे पबजी लाइट वाले भाइयों, आज यहाँ पे उतरते हैं, उतरने के बाद इतना पैरा सूट दिखता है, डरते नहीं लेकिन थोड़ा फट जाती है, देखते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे उतरते हैं, देखते हैं कहीं लंका वंका लगाना लगा दे। उतरने के बाद अंदर जाते हैं भाई, गन मिलती है तो वही SKS। हम बोले भैया इसी से काम चलाना पड़ेगा जब मिल गई है तो। फिर आगे लेके जाते हैं एक बंदा, उसके बाद देखते हैं एक बंदा DP लेके हमारे ऊपर रस कर दिया, हम भी ठक ठक बचाओ। हम बोले पहले लूट के आओ, उसके बाद ऊपर जाते हैं लूटते हैं। लूटने के बाद कहाँ पता चलता है गन अच्छी खासी मिल जाती है। हम बोले बस भैया रस कर दो इसी पे, नीचे की तरफ तुरंत कूद जाते हैं। बोले बस भैया नीचे चलेंगे तभी तो बंदे मिलेंगे। तो उसके बाद नीचे जाते हैं, एक बंदा तुम थकते हमारे ऊपर चलाने लगता है गोलियाँ। हम बोले रुको तुम क्या बता रहे हैं। और हम बोलते हैं बस भैया लूटपाट हो गई, अब नीचे की तरफ चलना चाहिए। नीचे की तरफ चलते हैं तो इसके ऐसे एक बंदा खटपट चलाने लगता है। हम बोले भैया हमारी स्टाइल में चला रहे हो, अभी तुमको बताते हैं। उसके बाद आते हैं ढेर हो जाते हैं। बोले ढेर हो गए, यहाँ जा रहे होते देखते घूमा चल रहा है बम, हम भी बंदे बिठाए को मारना शुरू करते हैं। कहाँ करो लोबी इन द हाउस में भी तुरंत पेट पे करके चले जाते हैं लोबी में। हम आगे की तरफ जाते हैं और बंदों को ढूंढने के लिए। उसके बाद इनको लूट टूट के फिर चलते हैं भैया ऊपर की तरफ। होता है वो ऊपर की तरफ से घुमा चल रहा था भम। हम बोले कौन चला रहा था, थोड़ा देख के आए। उसके बाद जाते हैं यहाँ से निशाना उशाना लगाते हैं, देखते हैं एक बंदा उधर से जा रहा है। हम बोले कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ से मारने की कोशिश करते हैं लोग। एक बंदा हमें पीछे डैमेज देने लगता है। हम बोले पीछे शर्ट पालती करता है भी तुमको बताते हैं। उसके बाद मारते हैं लोग छुप जाते हैं, बंदे कुछ पारो रहते हैं, बंदे कुछ पारव रहते हैं। बोले बस भैया फाइट होती रहेगी, तुरंत आगे बढ़ गए हम तुरंत। लेकिन बोले भम भम करता हमको निश्चित कर दिया, अभी तुमको बताते हैं। बोले आ जाओ तुमको बताते हैं, चंद मारते हैं ढेर हो जाते हैं। उठते उठते एक बंदा है जो SKS लेके एकदम पूरा हमला कर दिया। बोला मारा टाटा, लेकिन इनको हमें बहुत सिखा जाते हैं। बोले बस भैया इनकी लंका लगा दिया, वरना तो हमारी ही लंका लगा देते अभी। फिर हम बोले भैया रस कर दो इसी समय, वरना रिवाइव हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर हम तुरंत ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद तुरंत इधर से कैसे जा रहे थे तो कूद ही जा रहा था, या तो रिवाइव हेल्थ ही नहीं लगा रहा था। हम बोले कोई बात नहीं, हेल्थ नहीं लगाएगा वैसे ही जाएंगे। यहाँ से जाते हैं, बोले भैया एकाध बम फेंकने का टीममेट होगा तो हो सके तो वहीं लंका लग जाए उसकी। फिर यहाँ से फेंकते हैं, कुछ नहीं होता है इससे, बस 5 सेकंड आपका बेकार होता है। फिर हम सीधा रस कर देते हैं, बस भैया जो होगा देखा जाएगा, अभी सिर पर रस कर दो। हम रस कर देते हैं, रस करने के बाद देख रहे हैं अभी पेट पकड़ के चिल्ला ही रहे हैं। हम बोले कहा भैया कोनो बचाने नहीं आया था। बोले नहीं आया, गया पान खाने के लिए। हम बोले हाँ भैया पान, इनको तुरंत लपेट देते हैं हम दोनों लोग मिल के। हम बोले बस भैया काम हो गया। उसके बाद देखते हैं एक बंदा और आ गया। हम बोले कहाँ आ रहे हो, पूरा रिवाइव वाइव होकर कब से खड़बड़ कर रहे हैं, नीचे आ नहीं रहते हैं। बोले चलो भैया ऊपर नीचे ही चलते हैं, वो यहाँ पे आएंगे नहीं, वो लोग यहाँ देखते हैं तुरंत निकलने लगते हैं। वो मारते हैं लोग बेटा भम। कहा भैया एकदम अरे भैया बचाओ यार। उसके बाद हमारे हाउस बेबी कहा भैया हल्के में ले रहे थे, हमारे जो साथ खेलने वाले इसे खेल रहे तो हम कैसे खेलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, भैया रिवाइव वाइव होते हैं, वैसे क्या हुआ एक जल्दी एक हाथ को नहीं मार पाते हैं, लेकिन हमारे टीम में तो है संभालने के लिए लोचा। हमको रिवाइव करते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। भैया आगे की तरफ स्केटिंग मारते हुए जा रहे थे, लेकिन देखते हैं भैया जो आगे से लॉन्चर चलने लगा। डरते तो नहीं है लेकिन थोड़ा डर सी लगती है। हम बोले कहा भैया पता चला कि ऊपर ही चला दे एक लॉन्चर कम दे। उसके बाद हम स्केटिंग मारते हुए जा रहे थे, खड़े हो जाते हैं चुपचाप। हम बोले बस भैया इधर रुक जाओ, आगे चल के देखेंगे। आगे जाके देखे तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा होकर गोलियाँ चला रहा। हम बोले कहा भैया कहाँ चला रहे हो, यहाँ से मारते तो ढेर हो जाते हैं, नीचे वाले गुस्सा हो जाते हैं, लॉन्चर और RPG लेके एकदम पूरा ऊपर ही पड़ जाते हैं। हमारे टीममेट को पकड़ के लुड़का देते हैं। उसके बाद यहाँ से फोन लेके हमला कर देते हैं लोग बेटा तर, लेकिन से कुछ होता नहीं। उसके बाद लॉन्चर स्टॉल के उठा लेते हैं लोग बेटा घम। तो इनकी पेटी बना देते हैं उधर, क्या पता चलता हमारी टीममेट के लंका लगा दिया तो पकड़ के गला ही दबा दिया। उसके बाद हम बोलते हैं ले आते हैं बेटा लेके। उसके बाद गुम्मा लेके जाते हैं ले बेटा भम। लेकिन कुछ होता नहीं है जब, तो उसके बाद इनकी लंका लग जाती है तो पेटी बन जाते हैं। बोले बस भैया रिवाइव कर दें जाके।
तेरे भाई भाई करके लूट रहे थे, देख बंदा एकदम पूरा खट पिट गोलियां चलाने लगा। हम बोले रुको साले, हम पे गोलियां चलाते हो, तुम्हारे साथ ऐसे तुम्हें बताने से लोग भाई खड़े लो बेटा, भाम भाम भाम। फिर इनको मारो और क्या, फिर आगे की तरफ जाते हैं भैया, आगे की तरफ से भी गोलियां चल रही थी, आगे की तरफ ड्रॉप भी गिरा था। हम बोले बस भैया यहीं से लूट उठ लेंगे, आगे तरफ चलेंगे, लेकिन देखने दो बंदे पहले से ही कब्जा करके बैठे हैं। हम बोले कहा भैया कब्जा करके बैठे हो, यहाँ से मारते चले बेटा, तुरंत हमको ही तो बगल चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प। हम बोले कहा भैया आके बताओ जल्दी, इसके बाद वो जाते हैं फाइट वाइट लेते हैं, ऐसा खराब के गोलियां चलाते हैं कि जैसे हिले में लकवा मार दिया पैर वाले, इनकी भी टोपी बना देता है, तुरंत पकड़ के लंका लगा देता है, दोनों लोग ही वापस आ जाते हैं। दूसरे मैच की तरफ चलते हैं, दूसरे मैच में देखते हैं कि एकदम पूरा उतर रहे हैं पारा छोटे, धीरे धीरे नीचे आ रहा। हम बोले बस भैया नीचे आ गया। उसके बाद लूटपाट की तरफ चलते हैं, लूटपाट की तरफ जाते हैं, क्या पता चलता है इसकी आइडल मिलती है और कट्टा मिलता है। हम बस बोले बस भैया इसकी आइडल और कट्टा मिल गया, अब आगे की तरफ देखें कुछ मिल जाए तो। आगे की तरफ जाते हैं, क्या पता चलता है आगे से गोलियाँ खटपिट खटपिट चल रही थी, बंदा बाटी में तो उन पेट पकड़ के चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमारी किल भी चोरी जाती है, हमारी टीममेट ही चुरा लेते हैं। बोले पता रहता पहले तुम्हारी बेटी बनने देते, फिर इनको लूट उठ लेते हैं, लूट के यहाँ आते हैं लोटा था 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 कौन का दादा इन्हें पूरा अल्लाह किए थे। इनको मारने के बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं, बोले भैया आगे की तरफ चले, आगे की तरफ से भी गोलियाँ वोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी। तो भाई आज से 100 सब्सक्राइबर के 100 सब्सक्राइबर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कांकर दादा की तरफ से भी। अब आगे चलते हैं, इनकी खटपिट खटपिट आवाज़ आ रही थी, उसके बाद इनको मारते ले रहा था 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 था। कांकर लोबी इन द हाउस में भी, उसके बाद ये जाते हैं उधर इनके परिवार वाले को भी चलाने लगते हैं। बोले कहा भैया कैसे चला रहे हो, इनको भी तुम लुड़का देते हैं। बोले बस भैया लुड़काने के बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ से भी फाइट चल रही थी। बोले भैया आगे की तरफ देख लें, इधर से सब पेट पकड़ के चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ। हम बोले कौन नहीं बचाओ, सीधा लोबी में जाके चिल्लाओ। उनको मार देते हैं, मारने के बाद इधर उधर घूमते हैं। बोले भैया कुछ काम वाम हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन क्या पता चलता है कि कोई नहीं मिलता है। फिर आगे की तरफ हम लोग गाड़ियाँ लेके चल देते हैं, यहाँ पे आते हैं स्टेडियम में। एक उनका दादा यहाँ खटपटी करता है, बोले खटपटी करता है ले बेटा ता ता ता, तो इनको भी लुड़का देते हैं, जैसे ही लोग आ जाते हैं इनको भी लुड़का देते हैं। अब 200 के लिए भाई सफ़र जारी है, हमें उम्मीद है आज जल्द से जल्द आप लोगों को पूरा करवा देंगे। यहाँ पे आते हैं दो बंदे इन्हें फाइट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे टीम में दोनों को लड़ा दिए गाड़ी से, दोनों किल अपने ही ले लिए। हम बोले कहा भैया हम नहीं थे इसमें। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कौन कर लड़ रहे थे, कौन कर लोग इन द हाउस में भी, तुरंत पेट पे करके चिल्लाने लगते हैं। उनको मार और के फिर इधर की तरफ आते हैं, भैया हम कहें चले। उसके बाद गाड़ी वाड़ी में बैठ के देख रहे हैं, एक बंदा भी घिसराते घिसराते हुए जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं अपने भैया कौन करेगा। उसके बाद इनको भी मार देते हैं, मार और के फिर गाड़ी बैठ जाते हैं। बोले भैया गाड़ी वाड़ी बैठ के चले आगे की तरफ भी फायर करनी है। उसके बाद देखते हैं एक बंदा और है, बोले क्या कर रहे हो भैया, पारी पारा सभी आ रहे हैं। फिर देखते हैं और एक बंदा आ गया, बोले आ जाओ आ जाओ तुम लोगों के लिए बैठे हैं। उसके बाद यहाँ से मारते हैं लोग, कहाँ कहाँ भागे जा रहे थे, उधर काम कर रहा था, कहाँ भैया उधर जा रहे हो, उसको किल दोगे कहाँ अपने। उसके बाद मारते हैं, इनकी भी पेटी बन जाती है। फिर मारने उड़ने के बाद बोले भैया बस चलो अब यहाँ से, कहाँ पता चला ज़्यादा देर रुकेंगे तो अपनी भी रंका लग जाएगी। फिर गाड़ी वाड़ी में हम दोनों बैठ जाते हैं, बोले भैया बैठेंगे नहीं कहाँ होगा, बैठ बैठ के जाते हैं आई तरफ लेके जाते हैं आगे की तरफ। देखते हैं एक बंदा ड्रॉप पे खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा है, जब काम कर लो भी इंदा हाउस भी इनको मार देते हैं। फिर उधर एक बंदा कैंपिंग करके बैठा था पुल के उस पर, बोले एक बंदा उधर भैया देख के जाना है वो आगे की तरफ। उसके बाद देखते हैं उधर से फेस रिवील कर रहे हैं, बोले लोग तुरंत भागने लगे थे डर के। हम बोले कहाँ भाग रहे हैं भैया, उसके बाद सही कहा तुमको देख लेते हैं, अच्छे अच्छे तो पैंट गीली हो जाती है, लेकिन इनकी तो पीली हो गई, भागने लगे। फिर इनको मार दिए, पेट पकड़ के चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ, हमारी गाड़ी का पेट्रोल तो ख़त्म हो गया था। हम बोले भैया पैदल चलो, पैदल जाते हैं यहाँ तक आते हैं, कहाँ पता चलता है एक बंदा और आ गया। हम बोले कहाँ भैया कैसे कैसे आ रहे हो तुम लोग, इनको भी मार देते हैं। मारने के बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं,
उसके बाद यहाँ से जाते हैं भैया मार और के आगे की तरफ। हम बोले आगे के भी अंदर होंगे, यहाँ पे देखते हैं एकदम पूरा खोपड़ी खाए कार्टून कार्टून, जल्दी स्टेडी बढ़वा लो ना आपका टीममेट बढ़वा लेगा, हम यहाँ पे इनको मारते हैं लोग तुरंत ही लोबी में चले जाते हैं। हम केडी ओडी अपनी बढ़वा के आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ ड्रॉप गिरा। हम बोले भैया बस ड्रॉप के पास हम दोनों चलते हैं दौड़े दौड़े, ड्रॉप के पास आते हैं देखते हैं बंदा वहाँ से झांक रहा है। हम बोले झांकता है झांकता है, तो इनको मारते हैं तो ये ढेर हो जाते हैं। बोले बस भैया ये ढेर हो गए। उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ से देखते हैं कि एक बंदा एकदम पूरा पेड़ के पास से कान का कर रहा है। बोले भैया कहाँ कर रहे हो पेड़ के पास। उसके बाद यहाँ से रिलोड विलोड करते हैं। बोले भैया बम फेंकने हो सकता है आखिरी में तुक्का लग जाए, बम फेंक के बंदा मर जाए तो कुछ और ही बात हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फेंकते हैं लेकिन एक बम में कुछ होता नहीं है। फिर हम भी जाते हैं आगे की तरफ। हम बोले गन से मारना पड़ेगा, लोग कहाँ कर लो इन द हाउस में भी इतने में चिकन डिनर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें।